हाय एवरीवन, आप लोग कैसे, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फिर पटना में विकास की गंगा बहने लगी है और आज हम बात करेंगे पटना का डबल डेकर फ्लाई ओवर ब्रिज का, जो कि अब जो है आपको 80% जो है बनकर तैयार हो चुका है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करते हैं ताकि ऐसे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त। तो फ्रेंड्स, मैं पहले बात कर लेता हूँ कि ये जो है ब्रिज कहाँ से कहाँ तक बनकर तैयार हुआ है। तो फिर से मैं बता दूं कि पटना का ये जो ऐतिहासिक गांधी मैदान, यानी कि गांधी मैदान के पास कारगिल चौक से लेकर आपको NIT मोड इंजीनियरिंग कॉलेज तक जो है ये बनकर तैयार, आपको 80% जो है सुपर स्ट्रक्चर का काम जो है कंप्लीट कर लिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये अशोक राजपथ पर स्थित है, जहाँ की आपको मैं बता दूं कि पटना में जाम की सबसे बड़ी समस्या का यहाँ एक जड़ था, जिसको लेकर मैं बता दूं कि आपको ये दो से ढाई किलोमीटर की जो है ट्रेवलिंग करने में आपको 4 से 5 घंटा लगती थी। तो जाम की समस्या, और जाम इसलिए लगती थी कि यहाँ पर जो है पटना PMCH है, पटना यूनिवर्सिटी है, NIT इंजीनियरिंग कॉलेज है, यानी कि जितनी भी बड़ी बड़ी शिक्षण संस्थाएं और हॉस्पिटल्स हैं, ये सब इसी रूट में पड़ते हैं, जिसके कारण जो है यहाँ की जाम की समस्या बनी रहती थी। लेकिन सबसे मजे की बात है कि इस पर 3 लेयर में गाड़ियां चलेगी। मैं बता दूं कि आपको 2 लेयर में तो गाड़ियां चलेंगी, और तीसरे जो है आपको जमीन के अंदर जो है मेट्रो लाइन दौड़ेगी। जैसा कि आपको मैं बता दूं कि अभी जो है PMCH और पटना यूनिवर्सिटी के पास 2 अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन का भी निर्माण का काम चल रहा है, और बहुत जल्द जो है इसके नीचे जो है आपको मेट्रो लाइन दौड़ेगी। और मैं बता दूं कि अब जो ये जो जाम की समस्या थी, अब पूरी तरह से ये खत्म हो जाएगी। और पटना में इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इतनी यहां दिक्कतें आती थी ट्रैफिक को लेकर, तो इसीलिए जो है पटना का अभी इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है गंगा बह रही है, यानी कि आपको डेवलपमेंट का एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। जैसा कि मैं बता दूं कि पटना में अब जो है आपको जिस भी लोकेशन में जाएंगे, जहां भी आपको ट्रैफिक की समस्या देखने को मिलती थी, अब वहां पर जो है अब फ्लाईओवर का ऑलमोस्ट जो है निर्माण हो चुका है, जहां से अब ट्रैफिक स्मूथली काम करती है। और मैं बता दूं कि आने वाले भविष्य में जो है बहुत जल्द जो है पटना में ट्रैफिक की समस्या 0-0 होने वाली है। और ये भी मैं बता दूं कि ये ब्रिज जो है आपको 2025 के अंत तक हर हाल में इसको जनता के लिए चालू कर देना है। तो ये अपडेट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।